हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केएम एकेडमी ग्रुप चैनल। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार मुझे आपके कमेंट बड़े स्क्रीन पे लगाने दो। तो देखो क्या पढ़ेंगे आज, रिएजेंट्स पढ़ने वाले हैं भाई। रिएजेंट्स में डीएमएसओ बेस रिएजेंट्स पढ़ेंगे हम। जल्दी से शेयर करो सब लोग। अच्छा क्या बोल रहे हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दो। अरे रिएक्शन मैकेनिज्म ऐप में चल रहे भाई, ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ सकते हो आप ऐप। सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे भी बैचेस होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई चलो आगे चलते हैं, आज पढ़ते हैं रिएजेंट्स का अगला पोर्शन, डीएमएसओ बेस रिएजेंट। उससे पहले कुछ पोर्शन हमारा बचा हुआ था, पीसीसी हमने स्टार्ट किया था। पीसीसी में हमने क्या देखा था, पीसीसी में हमने देखा था कि आपके कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड आपका अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप पीसीसी ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा, अगर इसमें पीसीसी ऐड करोगे तो इसमें कीटोन बनेगा, ये हमने पढ़ा था भाई कल पिछले लेक्चर में। तीसरा हमने पढ़ा था टर्शियरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन, पीसीसी भी होगा तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। बट हमने लास्ट में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो अगर आपके पास कंपाउंडेड टर्शियरी अल्कोहल है बट वो क्या है, अलाइलिक टर्शियरी अल्कोहल है। मतलब क्या है, अलाइलिक टर्शियरी अल्कोहल है, तो इसमें क्या होता था पीसीसी। अब ये कार्बन तो ऑक्सीडेशन होने से रहा, अरे ये कार्बन का तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, टर्शियरी ऑलरेडी, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये क्या करता है, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रिअरेंजमेंट करता है और आपके कंपाउंड में क्या बनाता है, आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड बना देता है। एल्डिहाइड या कीटोन बना सकता है, अगर ये कार्बन सेकेंडरी हुआ तो कीटोन बना सकता है, ठीक है। तो अलग अलग कंपाउंड्स हमने देखे थे, उसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल था आपका, हमने ये देखा था कि आपकी ये कंपाउंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे कंपाउंड है, इसमें ऐसे इसमें कंपाउंड है आपका कुछ इस तरह से, इसमें मिथाइल लिथियम या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कुछ भी ऐड करो। ये क्या कर रहा था, इस पे ऐड कर रहा था ऐसे, आपका वर्कअप होने के बाद क्या बन रहा था, वर्कअप होने के बाद बन रहा था OH। ये यहाँ पे क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। अरे बोलो ये टर्शियरी अल्कोहल है। अब टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, पीसीसी अगर ऐड करोगे तो आपके पेपलर ऑक्सीडेशन, हमने इसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था हमने, नहीं दिया था ऑलरेडी नाम है उस पर, हमने वही पढ़ा था बस, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट मिल जाता है ऐसे, इसे क्या कहते हैं, बेबलर ऑक्सीडेशन कहते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बेबलर ऑक्सीडेशन कहता है, ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा था, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रिअरेंजमेंट हो रही थी। क्या हो रही थी, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रिअरेंजमेंट हो रही थी, सिग्मा ट्रोपिक रिअरेंजमेंट हो रही थी, रिअरेंजमेंट हो रही थी। बोलो भाई, बोलो रे, बात समझ में आई, इस तरह से ये हो रहा था। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग, नमस्कार। देखो चलो आगे, इसके आगे देखना है हमें आगे। देखो अगर आपके पास कंपाउंड होगा, इस्टर होगा इस तरह से, अगर आपके पास विनाइल इथर होगा, क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल विनाइल इथर, यानी कि क्या होता है, जैसे कि आपके पास कंपाउंड है देखो ऐसे, इसको मैं क्या कहूंगा, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, ऐसे इसको हम कहेंगे ओ आर, यहाँ पे ऐसे ओ आर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, विनाइल ईथर कहेंगे। ऐसे अगर कंपाउंड होगा तो, अगर ऐसा कंपाउंड अगर होगा तो आपके पास ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आर, इसको क्या कहते हैं, इनोल ईथर कहते हैं, सॉरी इनोल ईथर कहते हैं। ये जैसे इसको क्या कहते हैं हम, इनोलेट्स, आपको पता होगा इसको कहते हैं इनोलेट्स। ये क्या होता है, इनोलेट्स होते हैं, ये क्या होता है, इनोल इथर होता है, ओ आर, इसे क्या कहते हैं, इनोल इथर कहते हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अगर आप आर एच आर यहाँ पे जोड़ दोगे तो इनोल इथर अगर होगा, मतलब इनोल इथर अगर होगा तो इस कार्बन पे अगर आप देखोगे पीसीसी अगर ऐड करोगे इसमें तो इसमें कंपाउंड बन जाता है, देखो ओ आर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे आर डैश, ये डैश अलग अलग नाम, ठीक है। तो इसमें ऐसे हो जाता है, तो ये होता कैसे एक बार देखना पड़ेगा, इसमें पीसीसी में आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्रोमियम होता है डबल बॉन्ड ओ होता है, डबल बॉन्ड ओ होता है, ओ माइनस होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है यहाँ पे अटैक, ये इसको रिड्यूस, ये यहाँ पे ऐसे इसमें क्या बना देता है ओ आर, यहाँ पे क्या बन गया ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बन गया ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बन गया क्रोमियम, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ माइनस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन एक्सचेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ऐसे ठीक है। क्लोरीन एक्सचेंज क्यों किया सर आपने, क्वेश्चन आएगा। यस ठीक है, ये यहाँ पे आर डैश। अब यहां से अगर एच आप देखोगे, यहां से अगर आप एच देखोगे, अरे सुनो रे, यहां से अगर आप एच देखोगे तो एच ऐसे यहां से इलिमिनेट होगा, ये यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहां से यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ओ माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा ओ माइनस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई ओ माइनस बन जाएगा। अब देखो इसमें कैसे होगा, ये अगर O- बना दो, देखो इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये OR को एज इट इज रखो, इसको इसको एज इट इज लिखो, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ये ऑक्सीजन एज इट इज, ओके इसने क्या किया इस पे डबल बॉन्ड बनाया ऐसे, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये निकल गया, यहाँ पे क्रोमियम डबल बॉन्ड ओ, अच्छा इसने भी इसको ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर दिया ओ माइनस, यहाँ पे क्या बना सी आर डबल बॉन्ड ओ O माइनस, यहाँ पे ऐसे O माइनस बनेगा प्लस क्लोरीन बनेगा ऐसे, यानी क्या होगा इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ बट इस क्रोमियम का क्या होगा रिडक्शन हो गया, इसी को तो कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब लास्ट में देखोगे लास्ट में वर्कअप होगा, तो वर्कअप में क्या होगा, वर्कअप में ये यहाँ से डिलोकलाइज करेगा डबल बॉन्ड को, प्रोटोन लेगा और यहाँ पे क्या बना देगा ईस्टर बना देगा। बोलो रे बात समझ में आई क्या, कौन से स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन नहीं करवाता, सारे करवा रहा हूँ, पीपीटी बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा इसलिए लिख रहा हूँ, पीपीटी बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा इसलिए लिख रहा हूँ, एक साथ करवा दूंगा और भी क्वेश्चन जो बचे होंगे वो एक साथ करवा दूंगा और भी क्वेश्चन जो बचे होंगे वो, ठीक है। ठीक है तो क्या होगा ओवरऑल क्या है आपके पास, ओवरऑल क्या है आपके पास कंपाउंड है ऐसे, ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पे ओ आर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि सी सी हो ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। इसमें अगर पी सी सी ऐड करोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये ओ आर है, ये ओ आर डैश एज इट इज, यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड ओ बनेगा और यहाँ पे आर डैश बन जाएगा, मतलब क्या होगा ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इस डबल बॉन्ड में, इस डबल बॉन्ड में, इसमें क्या बन जाएगा भाई कैसे बन जाएगा मैकेनिज्म हमने देखा। अब देखो इसमें अगर ये दे दूं मैं आपको एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको हर बुक में मिलेगा, ये ऐसे है, ये क्या है अभी इनॉल इथर है, ये जो आर वाला पार्ट है ना, ये आर वाला पार्ट यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड आर डैश वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है तो ये इनॉल इथर है, ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देन अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देन अल्काइल ग्रुप, और ये भी क्या है यहाँ पे आर ग्रुप अटैच है। इसमें पीसीसी ऐड करोगे तो क्या होगा ऑक्सीजन के एडजेशन में, ऑक्सीजन के एडजेशन में देखो डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे अगर देखोगे ये ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड है, इसमें पीसीसी ऐड करोगे इसमें डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई, जल्दी से बताओ बात समझ में आई, बोलो जल्दी से बात समझ में आई क्या। अरे दोनों एग्जांपल हुए, इसके अलावा पीसीसी का और एक काम होता है जो क्या करती है ना, बेंजाइलिक पोजीशन या अलाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करता है, जो क्या करता है बेंजाइलिक पोजीशन और अलाइलिक पोजीशन पे क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है। इसके अलावा और एक काम होता है जो क्या करता है बेंजाइलिक पोजीशन और अलाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करता है।
ठीक है। देखो अगला, देखो अगला अगला, चलो ये हो गया। अब देखो एक केस और है जिसमें अगर आप देखोगे, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। क्या है आपका, यहाँ पे कंपाउंड होता है ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे क्या है भाई OH, इसमें क्या है OH है, और यहाँ पे ये CH3 अबव द प्लेन, CH3 अबव द प्लेन है। अब अगर इसमें PCC ऐड करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, इसमें अगर PCC ऐड करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसमें अगर PCC ऐड करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, इसमें प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, हमें हमें प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एच, और यहाँ पे ऐसे, ये एज इट इज आपका ऐसे होना चाहिए, बट ये तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता क्या है, देखो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे बन जाएगा प्रोडक्ट। आप पूछोगे कैसे सर, देखो भाई कैसे, देखो भाई कैसे, देखो पीसीसी बताया था मैंने, स्लाइडली एसिडिक होता है, इसका मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। देखो हम इसका मैकेनिज्म देखो कैसे देखने जा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा देखो भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म पीसीसी ऐड करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये बनेगा, आपने सही कहा था ये बनना चाहिए, बट ये बनने के बाद रिएक्शन वहां पे रुकेगी नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया, सही बात है, बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं। हमने कहा था प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये प्लस, यहाँ पे क्या होता है CrO3Cl माइनस होता है, ये ऐसे, इसमें एच प्लस कंडीशन होती है स्लाइटली, तो ये एच प्लस क्या करता है, एच पिरिडिन प्लस पे से ये प्रोटॉन लेता है ऐसे, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसमें से अब हर इसमें ये रिएक्शन नहीं होती, हर इसमें ये रिएक्शन नहीं होती। अब ये डबल बॉन्ड क्या बन गया, डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव बन गया। अब यहां से ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान से, ये यहां पे अटैक करेगा, ये इसको ओपन कर देगा, और इसमें क्या बना देगा, इसमें क्या बना देगा, इसमें बना देगा ऐसे, इसने इस पे अटैक किया देखो भाई, और इसको ओपन कर दिया, OH बना दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, कटायन बन गया, कटायन बन गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल जो बना है उसका ऑक्सीडेशन पीसीसी करता है, बिल्कुल, तो उसका ऑक्सीडेशन करेगा पीसीसी, अगेन पीसीसी उसका ऑक्सीडेशन करेगा, और यहां से प्रोटॉन निकल के यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना देगा, यहां से प्रोटॉन निकाल के यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बना देगा। ओके बोलो भाई, इस तरह से यहां पे बन जाएगा। देखो आगे, अगर यही रिएक्शन अगर आपको रोकनी है, यही रिएक्शन अगर आपको रोकनी है, आपको क्या चाहिए, नहीं सर हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए जो हमें चाहिए था। आप कहोगे सर यही चाहिए हमें, तो आपको एक ऑप्शन में देता हूं, इससे यही बनेगा, बट आपको थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। क्या कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसमें आपको बफर ऐड करना पड़ेगा, यानी OSC का बफर करना पड़ेगा। देखो हमने स्टेटमेंट लिखवाया था पहला, अगर आपको याद होगा तो, क्या हमने लिखवाया था, अगर आपके कंपाउंड में पीसीसी स्लाइटली एसिडिक होता है बट इट्स मैनेज बाय बफर, मतलब उसको कवर कर लेता है बफर से, बफर अगर आप डालोगे तो उसमें कवर हो जाता है, ठीक है, बफर अगर डालोगे तो उसमें कवर हो जाता है। अरे बोलो रे इस तरह से, तो ये एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अगला देखो, एक्टिवेशन ऑफ बेंजाइलिक एनालाइलिक कंपाउंड, पीसीसी का लास्ट वर्क क्या है, एक्टिवेशन ऑफ बेंजाइलिक, एक्टिवेशन ऑफ बेंजाइलिक, ऑफ बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक,
हैलाइलिक कंपाउंड्स। अगर बेंजाइलिक हैलाइलिक की बात करोगे, जैसे कि अगर आपके पास कंपाउंड है इस तरह से, यहां पे R है, इसमें अगर PCC ऐड करोगे तो ये इस पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि ऑक्सीडाइज कर देता है, तो डायरेक्टली ये ऑक्सीडेशन करेगा और आपके कंपाउंड में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड वो R बना देगा। यह अगर अलाइलिक होगा, जैसे कि एग्जांपल देखो, बढ़िया एग्जांपल है, बहुत बढ़िया, यहां पे डबल बॉन्ड है, इसमें क्या करो, इसमें आपका PCC ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड O बन जाएगा, आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड O बन जाएगा आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है भाई, और ये पीछे चल रहा है, ठीक है। आगे देखो PDC, इसका ही बड़ा भाई ये PDC क्या होता है, PDC एक बार देखते हैं, PDC क्या होता है, देखो ये काम है इसका, इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करने वाले हम, कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो आगे पीडीसी क्या होगा, पीडीसी देखो, अगर आपके पास CrO3 है प्लस अगर आपने H2O ऐड कर दिया ना इसमें टू इक्विवेलेंट लेके, तो ये क्या बना देता है, डाइक्रोमेट बना देता है, कैसे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन क्रोमियम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH OH, OH, इसे क्या कहते हैं, इसमें अगर आप पिरिडीन ऐड करोगे तो पिरिडीन ऐड करोगे, इसमें टू इक्विवेलेंट ऑफ पिरिडीन अगर ऐड करोगे तो ये CR डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे CR डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ये O माइनस, यहां पे पिरिडीन प्लस, पिरिडीनियम आयन प्लस, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ऐसे, इसने प्रोटॉन ले लिया इसका, इसने प्रोटॉन ले लिया इसका, दो पिरिडीन आए, तो इसे क्या कहते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसे क्या कहते हैं, पिरिडीनियम, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, डाइक्रोमेट कहते हैं। तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट की बात सुनो, ध्यान से सुनो, अब देखो यहां पे ये क्या था, यहां पे कुछ ना कुछ यहां पे दिक्कत हो रही थी, तो ये आपका पिरिडीनियम डाइक्रोमेट की अगर बात करोगे तो ये आपको क्लीन रिएक्शन देगा, इट्स नॉट एसिडिक, ठीक है, क्लीन रिएक्शन का मतलब क्या है भाई, क्लीन रिएक्शन वर्ड क्यों यूज किया बुक्स में, क्लीन रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके इसमें कोई भी दूसरी साइड रिएक्शंस नहीं होंगी, जैसे कि बफर हो रहा था वहां पर, ठीक है इसमें बस सॉल्वेंट इफेक्ट होगा, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, क्या होता है भाई ऑब्जर्व, देखो क्या होता है, अगर आपके पास RCH2OH है, PCC अगर आप ऐड करते हो तो क्या बन रहा था, RCHO बन रहा था, अगर आपके पास RCH है, R है, OH है, इसमें अगर PCC ऐड करोगे तो क्या बन रहा था, RCH डबल बॉन्ड O, ऐसे R बन रहा था, तो ये PCC के रिएक्शन थे। अगर आप यहां पे देखोगे PDC, अगर आप क्या देखोगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, RCHO होगा, RCH2OH होगा, आपका PDC अगर ऐड करोगे तो इसमें आपका मिलेगा, कंडीशन डिपेंड करेगी, आपका एल्डिहाइड मिलेगा या आपके कंपाउंड में एसिड मिलेगा, RCO2H भी मिल सकता है PDC में। कैसे डिसाइड करेंगे, अगर DCM होगा, DCM क्या होता है भाई, DCM होता है आपका डाइक्लोरोमिथेन, क्या होता है, DCM डाइक्लोरोमिथेन, CH2Cl2 डाइक्लोरोमिथेन अगर होगा तो आपके कंपाउंड में क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर DMF क्या होता है, DMF होता है डाइमिथिल फॉर्म अमाइड, क्या होता है, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड होता है, तो DMF क्या होता है आपका, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड होता है, इसमें क्या होता है आपका एसिड मिलेगा, कीटोन की बात सेम है, कीटोन की बात तो सेम है भाई, RCHOH है, R है, इसमें PDC ऐड करो, DCM ऐड करो, DMF ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, PDC होना चाहिए बस,
आपके कंपाउंड में क्या बना देगा, आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड ओ बना देगा, डबल बॉन्ड ओ बना देगा, और बफर की भी जरूरत नहीं। हेलो प्रसाद, यस गुड, गोइंग स्लोली स्लोली बट इट्स गुड। ओके भाई बोलो, देखो आगे, इसमें एक पॉइंट लिखना, इट्स वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अलाइलिक अल्कोहल, इट्स वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, जो येलो में लिखा है वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसे चले आगे। इट्स वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अलाइलिक अल्कोहल, इसमें एग्जांपल देखो क्या है, एग्जाम्पल देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है, अभी देखा था इसको तो हमने, अरे इसको तो अभी देखा हमने, इसमें ऐड करो पीडीसी डीसीएम, इसमें ऐड करो आपका सी से कंपाउंड, यहाँ पे सी एच टू ओ एच है, यहाँ पे आर है, इसमें ऐड करो पीडीसी डीसीएम, इसमें देखो कंपाउंड अलाइलिक अल्कोहल है अगेन, इसमें ऐड करो सेम रिएजेंट पीडीसी डीसीएम पीडीसी डीसीएम, इसमें देखो और एक कंपाउंड क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये आपका ऑक्सीजन, ये ओएच, इसमें क्या ऐड करोगे पीडीसी डीसीएम, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यस ठीक है, तो डीसीएम में सब जगह पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड 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 बन जाएगा, सब जगह पे क्या बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड ओ एस, पीडीसी सब में क्या कर देगा, ऐसे कर देगा, मतलब डीसीएम अगर ऐड करोगे तो आपको एल्डिहाइड बहुत अच्छे से मिलेगा। बट इसी में अगर देखो 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 ध्यान से, ये लिख लिया था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है चले आगे, देखो अगले, अब देखो ये कंपाउंड है आपके पास, यहां पे क्या है, सेम कंपाउंड लिया मैंने, यहां पे OH है, इसमें क्या करो ना पीडीसी ऐड करो, पीडीसी इन डीएमएफ ऐड करो, डीएमएफ में क्या होता है एसिड बन रहा था, इसमें ऐड करो पीडीसी इन डीसीएम ऐड करो, इसमें क्या करो ना पीसीसी ऐड करो सिंपली, और इसमें क्या करो ना पीसीसी यानी ओएसी ऐड करो, यानी ओएसी ऐड करो, तो पीडीसी डीएमएफ अगर ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, आपके कंपाउंड में बन जाएगा एसिड, अगर आप देखोगे यहां पे ऐसे, इसमें बन जाएगा आपका ऐसे, आपका ये डबल बॉन्ड एसिड इज एसिड बन गया, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा एल्डिहाइड, ये एसिड इज, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है भाई, और यहां पे डबल बॉन्ड बनता है, यहां पे डबल बॉन्ड ओ बनता है, यहां पे ऐसे साइक्लाइजेशन हो जाता है, यहां पे साइक्लाइजेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमने बफर ऐड कर दिया था, यहां पे साइक्लाइजेशन नहीं होता, हमने क्यों बफर ऐड कर दिया था, बोलो बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ बात समझ में आई क्या,
ठीक है भाई। आगे देखो DMSO बेस ऑक्सीडेशन, अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज DMSO बेस ऑक्सीडेशन। क्या है DMSO बेस ऑक्सीडेशन? DMSO बेस ऑक्सीडेशन की अगर बात करोगे तो कौन सा होगा, तो सबसे पॉपुलर और सबसे फेवरेट नाम होता है एग्जामिनर का भी और हमारा भी, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन होता है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। दूसरा होता है देखो इसमें, इसमें होता है कोरे, दो साइंटिस्ट थे, कोरे क्यूम ऑक्सीडेशन। तीसरा होता है इसमें आपका मोफेट ऑक्सीडेशन, कहते हैं मोफेट ऑक्सीडेशन। फोर्थ होता है आपका कॉर्नब्लम ऑक्सीडेशन, कॉर्नब्लम ब्लम ऑक्सीडेशन। ये आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में नहीं, पहले बता दूं ये आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। अगर अगर पढ़ना होगा आपको, अगर लगता है कि भाई थोड़ा कभी भी कुछ भी पूछ लेता है थोड़ा एक्सेस पढ़ना है, तो आप क्या करो ना सिर्फ स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ लो, स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ लेना, इसके अलावा नहीं पढ़ना। इसके बाद होता है, इसके बाद होता है इसका नाम क्या होता है भाई, अल्बर्ट, क्या नाम इसका, अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट, अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट, अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें देखो पहला स्वर्ण ऑक्सीडेशन और आपका DMSO क्या होता है, तो DMSO आपको पता होगा सबको SN2 रिएक्शन में जनरेट सॉल्वेंट का यूज होता है DMSO का। ठीक है, तो DMSO क्या होता है, बट इसके भी अलग अलग रिएक्शन होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड कहते हैं और इसका बार बार इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बहुत यूज होता है, ये ऐसे O- होता है, सल्फर पे प्लस होता है, यहाँ पे CH3 होता है। सल्फर से रिलेटेड और एक रिएक्शन है जो आपको कटायन जिसमें बनता है वो आप देख सकते हो, वो है पिमरर रीअरेंजमेंट, वो आप पढ़ोगे कटायन में। ठीक है, हुआ पढ़ोगे कटायन से, बोलो भाई। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली रिएक्शन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में कोई भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया है, बट वो सिर्फ लिख के देता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसीलिए हमें सब पढ़ना पड़ता है। अगर आपको इसमें अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, अगर आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए थोड़ा एडवांस, तो आप सिर्फ पहली रिएक्शन पढ़ना, बाकी रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी। देखो स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन की अगर बात करोगे तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्जन करता है, RCH2OH से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, किसमें, RCHO में। कौन से रिएजेंट्स होते हैं, देखो COCl होता है इसमें, COCl होता है ट्वाइस होता है, इसमें होता है DMSO, DMSO इसमें होता है ट्राइथिलामाइन, और ये कोई भी एक सॉल्वेंट होगा और उसकी कंडीशन होगी। ठीक है, कोई भी एक सॉल्वेंट होगा और उसकी कंडीशन होगी, कोई भी एक सॉल्वेंट होगा और उसकी कंडीशन होगी, मतलब प्रेशर टेम्परेचर दिया होगा, प्रेशर टेम्परेचर दिया होगा। ठीक है भाई, बोलो, अरे बोलो जनता, बात समझ में, नीट रिजल्ट्स आउट, वेरी गुड, ठीक है। देखो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म स्वर्ण ऑक्सीडेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, आपको समझना पड़ेगा। देखो इसके मैकेनिज्म में पहले स्टेप में हम चले जाते हैं यही पे, इसी स्लाइड का हम यूज कर लेते हैं, आपको रिएक्शन भी बताऊंगी और मैकेनिज्म भी बताऊंगा एक स्लाइड। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्वर्ण ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं, मैकेनिज्म देखो क्या है, मैकेनिज्म है आपका, आपका जो कंपाउंड है DMSO उसका स्ट्रक्चर हमने बताया था कि DMSO का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अरे कैसे होता है, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल प्लस O निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन,
ये O- अटैक करेगा इस पे, इसको ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा, इसको ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा, बनाएगा क्या, सल्फर मिथाइल मिथाइल प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड O क्लोरीन, यहां पे डबल बॉन्ड O क्लोरीन। अब जो Cl- निकला है, ये वाला जो निकला है ना माइनस Cl-, अब Cl- क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको यहां से निकालेगा, क्या बनाएगा CO2, ये यहां से निकालेगा दो इलेक्ट्रॉन निकाल के, क्या बनाएगा CO, और ये इसको निकाल देगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा Cl-। आपके कंपाउंड क्या बन गया, कार्बन सॉरी सल्फर क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज प्लस CO2 प्लस CO प्लस Cl- प्लस Cl- लास्ट में CHCl करके निकलता है लास्ट में, ठीक है, प्लस Cl-। अब ये जो बना है ये आपका DMSO यानी कि जो सुवर्ण ऑक्सीडेशन है, सुवर्ण ऑक्सीडेशन का एक्टिव रिएजेंट ये होता है, कौन होता है, एक्टिव रिएजेंट ये होता है। तो देखते हैं, देखो इसका एक्टिव रिएजेंट का अगला मैकेनिज्म क्या है, आपके पास सल्फर है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। अब आपके पास आर सी एच टू ओ एच है, अब आएगी अल्कोहल की एंट्री, ये अल्कोहल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, इसमें क्या बन जाएगा आर आर सी एच टू ऑक्सीजन सल्फर सी एच थ्री सी एच थ्री पॉजिटिव सी एच थ्री पॉजिटिव ऐसे बन गया। अब आपको हो गया ऑक्सीजन का प्रोटॉन, हाँ जी ले लो, ये लो प्रोटॉन लिख लो। अब आपका क्या करेगा, जो भी बेसिक बेस होगा इसमें, बेस जो होगा वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, तो इस प्रोटॉन की एक स्टेप हम स्किप ही कर देते हैं इसमें, क्यों लिखने हैं स्टेप को, ठीक है स्टेप को लिख लो, प्रोटॉन निकालने की स्टेप तो पता है ना, इतने लाइन से क्या पढ़ा रहा हूँ फिर आपको मैं, सी एच टू हाइड्रोजन। अब जो ट्राइथिलामाइन आपका यूज हुआ है वो क्या करेगा, ट्राइथिलामाइन आपका जो यूज हुआ है वो आपका क्या करेगा, इस पे लोन पेयर होते हैं तो ये क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को लेंगे, इसमें बना देंगे अनायन, इसमें क्या बना देंगे, अनायन बना देंगे, आर सी एच हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जिसका बली जाने वाली है, सल्फर सी एच थ्री, और यहाँ पे सल्फर इलाइड है, सल्फर क्या होता है, एमटीडी ऑर्बिटल होता है, एमटीडी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे अनायन क्या होता है, स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये अनायन बनता है, और बनते ही इसका हाहाकार शुरू कर देता है, इस प्रोटॉन को लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और इस सल्फर को निकाल देगा, इस सल्फर को निकाल देगा, ध्यान से देखो क्या किया इसने, डबल बॉन्ड बनाया और इस सल्फर को निकाल दिया। अब क्या हुआ, आर सी एच एज इट इज यहां पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड वो बना दिया, मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि ये ऐसे एल्डिहाइड बन गया, प्लस क्या बन गया, सल्फर निकल गया ऐसे, इसने क्या सी एच टू ने हाइड्रोजन ले लिया, ये बन गया सी एच थ्री, ऑलरेडी ये सी एच थ्री था, ये क्या बन गया डी एम एस बन गया, क्या था डी एम एसओ था, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड था, ये क्या बन गया डाइमिथाइल सल्फाइड बन गया, क्या बन गया भाई डाइमिथाइल सल्फाइड बन गया, तो ये डाइमिथाइल सल्फाइड बन गया। क्या हुआ ओवरऑल रिएक्शन, अगर आप देख रहे हो तो ओवरऑल रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या बना है, ओवरऑल रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बना है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बना है, अल्डिहाइड बना है। हाँ, इसमें एक ट्विस्ट और है, इसमें और एक ट्विस्ट है, क्या है, अगर ये ट्राइथिलामाइन ना होता तो, मतलब सारे कंडीशन सेम है, सारे कंडीशन क्या क्या सेम है, ये कंडीशन है COCl2 DMSO है, सारे कंडीशन ये सेम है, बस ये ट्राइथिलामाइन ना होता तो, ट्राइथिलामाइन अगर होता नहीं तो यहां तक तो रिएक्शन आनी ही थी वैसे भी, Cl- जो निकला हुआ है यहां से, ये Cl- आपका अटैक करता है यहां पे, इसको निकाल देता और इसमें क्या बन जाता आर सी एच टू, चलो ठीक है इसमें कचरा मत करो, अगले पेज पे लिखेंगे हम इसको, इसको अगले पेज पे लिखेंगे। इफ सीएल माइनस इज एब्सेंट, इफ इफ ट्राइथिल अमाइन इज एब्सेंट, सीएल माइनस प्रेजेंट है ना, ट्राइथिल अमाइन इज एब्सेंट, अगर ट्राइथिल अमाइन अगर एब्सेंट होगा तो इसमें क्या होगा आपका आर सी एच टू ऑक्सीजन सल्फर सल्फर प्लस Cl- आएगा, इस सी एच टू पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, क्या बन जाएगा आपका RCH2Cl बन जाएगा प्लस O- यस प्लस,
यानी कि ये ऐसे आपका क्या है गैस डबल बॉन्ड वो मिथाइल डीएमएसओ डीएमएसओ मतलब अगर आपका ट्राइथिल एब्सेंट होगा तो ट्राइथिलामाइन अगर एब्सेंट होगा तो क्या होगा तो इस तरह से कंडीशन हो जाएगी। बोलो भाई बात समझ में आई जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में। यस समझ में आ गई। बोलो देखो इसके एग्जांपल करो फिर इसके एग्जांपल करो फिर बात अगर समझ में आ गई है तो एग्जांपल करो। इसके एग्जांपल नंबर वन आपके पास कंपाउंड होगा ऐसे ये डबल बॉन्ड ओ होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ऐसे है यहाँ पे है ये ऐसे यहाँ पे ये बैक साइड में है ओ एच इसमें ऐड करो क्या सी ओ सी एल ट्वाइस डी एम एस ओ ट्राइथिल अमाइन बताओ जरा प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा देखो क्या है आपके पास कंपाउंड यहां पे ऐसे है ये प्रोटेक्टेड है अगर ऐसे भी कंडीशन होगी तो ये डी प्रोटेक्ट हो जाता है आपको पता है यहां पे कंपाउंड ऐसे है ओ ई टी ट्वाइस ये भी प्रोटेक्टेड है इसको ध्यान से मिक्स ना हो जाए इसमें भी सेम कंडीशन है आपकी। तीसरा देखो तीसरा क्या है तीसरा देखो क्या है आपके पास कंपाउंड है ऐसे ये ऐसे ये यहां पे क्या है हाइड्रोजन है या वो प्लेन क्या है ये OH है ये OH है ये CH3 है इसमें भी सेम कंडीशन है बताओ प्रोडक्ट्स क्या होंगे। फोर्थ देखो लिखो इसमें लिखो पहले प्रोडक्ट क्लियर है अरे आंसर बताओ वन टू थ्री करके आंसर बताओ पहले में क्या होगा दूसरे में क्या होगा तीसरे में क्या होगा जल्दी से बताओ जरा मैं पानी भी क्या था क्या बनेगा कीटोन कीटोन एल्डिहाइड बनेगा अरे इस कीटोन का क्या होगा जो ऑलरेडी है डेढ़ बन जाएगा ठीक है ये दिख रहा है आपको
अरे इस पट्टी के नीचे दिख रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड लिखना है उस पट्टी के नीचे, ठीक है। अब दिख रहा होगा, बोलो रे, बात समझ में आ रही क्या? अरे आंसर भी किया करो, सो जाते हो क्या? सो गए क्या? ये तो टाइम भी नहीं है खाने का टाइम है तो। अगला देखो, अगला ये यहाँ पे है ऐसे, 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 OH है, इसमें अप्लाई करो सुवर्ण ऑक्सीडेशन की कंडीशन। सुवर्ण ऑक्सीडेशन की कंडीशन अप्लाई करो। ये यहाँ पे सिक्स सी से डबल बॉन्ड है ऐसे, ये यहाँ पे सी से डबल बॉन्ड है ऐसे, यहाँ पे सी एच, यहाँ पे ओ एच, ये यहाँ पे ऐसे, क्या नाम है इसका, ये ऐसे सी ओ टू ई टी, इसमें ऐड करो सेम कंडीशन, सुवर्ण ऑक्सीडेशन की कंडीशन है इसमें भी, सी ओ टू यमी है भाई ये। इसमें देखो सिक्स नंबर, अरे सारे स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन है, बाद में पूछोगे कि सर स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन कहाँ है, यही है, ये OH, ये OH, इसमें अप्लाई करोगे सेम कंडीशन, तो इसका भी एल्डिहाइड बनेगा, इसका भी एल्डिहाइड बनेगा, इसमें क्या होगा, ये बड़े इंटरेस्टिंग केस है, इसकी स्टोरी बताऊंगा आगे, इसकी क्या बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा आगे, कि इसमें अलग अगर रिएजेंट यूज करो, फैटी जॉन्स रिएजेंट, अलग अलग रिएजेंट अगर आप यूज करोगे ना, MnO2 अगर यूज करोगे तो इसमें क्या बन जाता है, इसमें आपका साइक्लिक लैक्टोल बन जाता है, लैक्टोन बन जाता है बाद में, तो बट इस केस में यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है, बाद में बताऊंगा इसकी स्टोरी, आगे जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, MnO2 और जब फैटी जॉन्स रिएजेंट बताऊंगा ना तब बताऊंगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉन्ड है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे CO2 मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, पता होगा कितने लोगों के सारे सही है, कितने लोगों के सारे सही है, कितने लोगों के सारे सही है, बताओ जल्दी से। अगला देखो, इसमें अगला ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, लाइक करते रहो, जिन्होंने लाइक नहीं किया सब्सक्राइब करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, और अगला क्वेश्चन करना है जिन्होंने ये क्वेश्चंस कर लिए उनके लिए, ये सब कर लिया है जिन्होंने, लाइक भी कर लिया, शेयर भी कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया, अब ये क्वेश्चन करो। इसमें देखो क्या है, सी ओ सी ओ सी एल ट्वाइस डी एम एस ओ, इसमें है 0 डिग्री सेल्सियस ट्राई इथिल अमाइन बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा बताओ। इसमें देखो क्या है, सी ओ सी एल ट्वाइस डी एम एस ओ 0 डिग्री सेल्सियस, बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट होगा, अरे कोई है जो आंसर करेगा, या दिवाली के पटाखे जला रहे हो, यहां पे देखो ट्राइथिलामाइन नहीं है, यहां पे ट्राइथिलामाइन है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर ट्राइथिलामाइन एब्सेंट होगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन आ जाएगा, हमने रिएक्शन पढ़ी थी, हमने रिएक्शन पढ़ी थी, अल्किल है, बिल्कुल सही रंजीत, वेरी गुड रंजीत, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, कोरे कीम ऑक्सीडेशन, ठीक है, कोरे कीम ऑक्सीडेशन, कोरे कीम ऑक्सीडेशन,
क्या होता है कोरे की ऑक्सीडेशन। तो कोरे की ऑक्सीडेशन सेम कॉन्सेप्ट है सुवर्ण ऑक्सीडेशन, आगे सारे सारे कॉन्सेप्ट सेम है, बस अलग अलग थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म में चेंज है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो क्या यूज होता है इसमें, इसमें यूज होता है डीएमएस। डीएमएस क्या था, डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस आपके पास कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे एनसीएस होगा, एनसीएस होगा। तो क्या होता है डीएमएस, आपके पास कंपाउंड होगा RCH2OH, इसमें अगर आपको डीएमएस और एनसीएस यूज कर दिया जाएगा, डीएमएस एनसीएस दे दिया जाएगा, तो आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा RCH2OH, CH2OH नहीं बनेगा CHO हो जाएगा। अब इसमें अगर देखोगे, इसमें अगर देखोगे तो मैकेनिज्म क्या है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, बस डीएमएस आपको पता होना चाहिए डीएमएस क्या है और डी एनसीएस क्या है रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म देखो क्या है आपके पास, आपको पता है डीएमएस है, डीएमएस मतलब क्या, डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है, और एनसीएस है एन क्लोरो सक्सिनामाइड, क्या है एन क्लोरो सक्सिनामाइड, इसे कहते हैं एन क्लोरो सक्सिनामाइड। लोन पेयर आएगी, इस पर अटैक करेगी, इसको निकाल देगी, ये सिंपली आपका क्या काम करेगा, मिथाइल, मिथाइल होगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे क्लोरीन। अरे ये वही रिएजेंट है क्या, एक्टिव रिएजेंट, पिछले रिएक्शन में जो एक्टिव रिएजेंट था वो क्या होगा, एक्टिव रिएजेंट था वो क्या होगा आपके रिएक्शन में, ये आगे पार्टिसिपेट कर जाएगा, प्लस आपका एन माइनस बन जाएगा, ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, ये प्रोटॉन लेगा बाद में, ठीक है, तो ये प्रोटॉन लेगा, तो ये क्या है इसका सेम मैकेनिज्म होगा, आगे जो मैकेनिज्म होगा सेम मैकेनिज्म एज सुवर्ण ऑक्सीडेशन, ठीक है, सेम मैकेनिज्म होगा, क्योंकि एक्टिव एक्टिव कॉम्प्लेक्स क्या है सेम है। इसमें देखो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई, इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन देना मुझे कि ये क्या होता है, कोरे कीम ऑक्सीडेशन होता है, इसे क्या कहते हैं, कोरे कीम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगला देखो मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन, क्या है मोफेट फाइजर, थर्ड है आपका मोफेट, मोफेट पी एफ आई जेड ई आर, मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन, मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन। अब अगर इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें डीएमएसओ एंड डीसीसी का कॉम्बिनेशन है, क्या है डीएमएसओ प्लस डीसीसी, क्या होता है डीसीसी, डीसीसी का स्ट्रक्चर आपको पता होगा डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बामाइड, क्या होता है डाइसाइक्लोहेक्सिल, क्या होता है भाई डबल बॉन्ड एन, यहां पे डबल बॉन्ड एन, इसे कहते हैं डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बामाइड, साइक्लोहेक्सिल ऐसे। डीएमएस तो आपको पता है पहचान वाला, ये तो यहाँ पे ओ माइनस, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे प्लस, सब में मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये आपके कंपाउंड में होंगे क्या होगा आर सी एच टू ओ एच होगा, इसमें क्या दिया जाएगा डीएमएसओ प्लस डीसीसी लिख के दिया जाएगा, आपको क्या बनाना है, अरे सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, प्राइमरी से क्या बनेगा, प्राइमरी से बनेगा एल्डिहाइड, प्राइमरी से बन जाएगा एल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, देखो इसका मैकेनिज्म कैसे है, आपको मैकेनिज्म इसका पता होना चाहिए। डीसीसी कपलिंग रिएजेंट होता है, जनरली कपलिंग रिएक्शन में बहुत यूज करते हैं इसको, आपके पास क्या होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हम सी एच एक्स लिख दे इसको साइक्लोहेक्सेन को, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सी एच एक्स लिखेंगे इसको, ठीक है। डीएमएसओ आपको पता है सल्फर ओ माइनस होता है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ऐसे होता है, ये आपका अटैक करेगा इस पे माइनस बनाएगा, ये आपका अटैक करेगा इस पे माइनस चार्ज बनाएगा, आपके कंपाउंड में क्या होगा इस तरह से बन जाएगा, आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, सल्फर पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन माइनस सी एच एक्स, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सी एच एक्स ऐसे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सी एच एक्स। अब ये क्या करेगा, आपके पास क्या है सी एच टू ओ एच है ना, यहाँ पे सी एच टू ओ एच है ना आर, तो ये इस प्रोटॉन को लेगा, यहाँ पे ओ माइनस बनाएगा, इसमें कंपाउंड बन जाएगा ऑक्सीजन सल्फर प्लस प्लस डबल बॉन्ड, ये एज इट इज है सी एच एक्स वाला,
ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है सी एच एक्स से यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ऐसे प्लस क्या बन गया आर सी एच टू ओ माइनस बन गया, आर सी एच टू क्या बन गया ओ माइनस बन गया। अब ये आर सी एच टू ओ माइनस क्या करेगा, ये माइनस अटैक करेगा आपका यहाँ पे, ध्यान से देखो इसको, ये कैसे अटैक करेगा ध्यान से देखो, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे, इसको निकाल देगा, इसको निकाल देगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा R CH2 ऑक्सीजन सल्फर CH3 प्लस ऐसे CH3 प्लस ऐसे, ये क्या बन गया एक्टिव रिएजेंट बन गया। इसमें बेस डालोगे, बेस डालोगे क्या होगा, यहां से प्रोटॉन निकालेगा, वो यहां से निकालेगा, डबल बॉन्ड वो बनाएगा, DMS को बाहर निकाल देगा, R CH O बना देगा। बोलो भाई प्रोडक्ट, बात समझ में आई? थैंक यू सो मच पल्लवी। बोलो रे, ये जो निकल रहा है ना यहां से, ये O माइनस निकलेगा यहां से, देखो इसमें क्या होगा, ये O माइनस जब निकलेगा यहां से, इसमें क्या बनाएगा, ये बनाएगा O माइनस ऐसे, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन H, इसको H कहते हैं, यहां पे नाइट्रोजन H लगा है, यहाँ पे सी एच एक्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सी एच एक्स है, ये डीलोकलाइज करेगा, जब वर्कअप होगा तब प्रोटॉन लेगा और इसमें क्या बना देगा डाइसाइक्लोहेक्सिल यूरिया बना देगा, NH NH CH X CH X, क्या बना देगा डाइसाइक्लोहेक्सिल यूरिया। अरे ये यूरिया होता है पता है आपको, ये यूरिया होता है, NH2 अगर होगा तो यूरिया कहते हैं, तो डाइसाइक्लोहेक्सिल यूरिया बना देगा और आपका क्या बना देगा यहाँ पे, यहाँ पे एल्डिहाइड बना देगा। इसको क्या कहते हैं मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन कहते हैं, मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन। बोलो रे बात समझ में आई, इसे कहते हैं मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन। लाइक करो भाई, जल्दी से कंप्लीट करो, मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे देखो, इसमें एग्जांपल देखो कुछ, अगर आपके पास कंपाउंड है ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे क्यों दिख रहा है, ये छोटे बच्चों की तरह, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे है, इसमें देखो सी एच टू ओ एच है, यहाँ पे ओ ए सी है, यहाँ पे ओ एच है, इसमें ऐड किया है डीएमएसओ, डीएमएसओ प्लस डीसीसी, डीएमएसओ प्लस डीसीसी, और इसमें ऐड किया है पिरिडीन, जो बेस चाहिए ना लास्ट में वो पिरिडीन है, अब यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया पिरिडीन, तो क्या हो जाएगा भाई प्रोडक्ट, सिंपल बात है। अरे सिंपल बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बस आपको क्या होना चाहिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए, इसके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंस है सबके, अगर मैकेनिज्म समझ में आ गए तो बात समझ में आ गई है। ये देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, देखो अगला अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बड़े स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ है क्वेश्चन, CO2 मिथाइल। अरे इतने बड़े स्ट्रक्चर याद मत कर लेना गलती से भी, स्ट्रक्चर बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए डीएमएसओ डीसीसी पिरिडीन का रोल क्या है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेम रिएजेंट, सेम रिएजेंट, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, सेम प्रोडक्ट नहीं होगा, CO2 मिथाइल सल्फर यहां पे
सेम रीजन। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे देखो कॉर्न ब्लम ऑक्सीडेशन क्या होगा, कॉर्न ब्लम ऑक्सीडेशन अगर आपके पास, इसे क्या कहते हैं भाई, इसका नाम देखो क्या है स्पेलिंग, कॉर्न ब्लम ऑक्सीडेशन, कॉर्न ब्लम वो क्या है, आर सी एच टू बी आर है, डीएमएसओ ऐड किया आपने, डीएमएसओ ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एन ए ओ ए सी, एन ए ओ ए सी, तो आपके कंपाउंड में बन जाएगा आर सी एच ओ। बताओ भाई अगर आपके पास अल्किल हलाइड है सी एच टू बी आर है उससे सी एच ओ बन रहा है, कितनी बढ़िया रिएक्शन, कितनी बढ़िया रिएक्शन है। मैकेनिज्म देखो जरा, मैकेनिज्म देखो जरा क्या होगा, डीएमएसओ आपको पता है क्या होता है, सल्फर पॉजिटिव ओ माइनस, ये किया अटैक, ये निकाला, इसको क्या बना दिया, क्या बना दिया, आर सी एच टू ऑक्सीजन सल्फर पॉजिटिव पॉजिटिव। एन ए ओ एसी क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, एन ए ओ एसी क्या है बेस है, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा आर सी एच टू ऑक्सीजन सल्फर सी एच टू माइनस सी एच थ्री एच, और आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा आर सी एच हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन लेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इस सल्फर को स्टेबलाइज करेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका लेट प्लस डाइमिथाइल सल्फाइड, प्लस क्या बन जाएगा डाइमिथाइल सल्फाइड बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा डाइमिथाइल सल्फाइड बन जाएगा। हेलो जी नमस्ते, इसे क्या कहते हैं कॉर्न ब्लम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं कॉर्न ब्लम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब लास्ट बचा है अल्ब्राइट, अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट, इसमें अब लास्ट बचा है अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट, क्या बचा है अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट। अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट, अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट क्या होता है आपका डीएमएसओ होता है इसमें भी सब जगह के, इसीलिए इनको डीएमएसओ बेस ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए एनएओएच नहीं यूज कर सकते क्योंकि एनएओएच क्या होता है ना एज अ न्यूक्लियोफाइल भी यूज हो सकता है अल्किल हैलाइड, इसलिए इसलिए वहां पे एन ए ओ एस यूज करेंगे, दैट इज नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है बट नॉट गुड, डी एम एस ओ ए सी टू ओ होता है। इसमें अगर आप कंपाउंड देखोगे क्या आर, इसमें अगर आप कंपाउंड देखोगे क्या आर सी एच टू ओ एच, आर सी एच टू ओ एच, इसमें क्या बनेगा आर सी एच ओ बन जाएगा। रिएक्शन ऐसे होगी, इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा, रिएक्शन ऐसी होगी, इसको कहते हैं अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट। ठीक है, ये क्या है, ये है अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट। ठीक है, देखो क्या होगा आर सी एच, अगर इसके बात करोगे, अगर इसकी बात करोगे देखो इसमें क्या होगा आपके पास आर सी एच टू एच ना, आपके पास कंपाउंड क्या है आर है ए सी टू ओ है ना, तो यहाँ पे सल्फर सल्फर ओ माइनस एसी टू ओ क्या होता है भाई पता कर लो पहले, सबसे पहले तो इसे कहते हैं एसी,
ये जो होता है ना इस ग्रुप को, यहाँ पे अगर सी एच थ्री अटैच होता है ना तो इसको कहते हैं एसी, एसीटेट कहते हैं। तो एसी टू ओ मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे ये सी एच थ्री, इसे कहते हैं डाई एसिटिक एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये एसिटिक अनहाइड्राइड होता है, इसी को क्या कहते हैं, दो एसी है, एसी ये एक एसी, एसी टू ओ एसी लिखती है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री ये अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा, क्या करेगा, अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा, आपके कंपाउंड में क्या बनाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी एच थ्री, ऐसे बन जाएगा सी एच थ्री, ऐसे बन जाएगा आपका आर सी एच टू ओ एच जो है, आर सी एच टू ओ एच क्या करेगा, अरे आर सी एच टू ओ एच क्या करेगा, देखो यहां से अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। अभी ये क्या निकल रहा है, ओ एच सी माइनस निकल रहा है, ये जो निकल रहा है देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सल्फर सल्फर ऑक्सीजन सी एच टू, अरे क्या बन रहा है, यहाँ पे आर सी एच टू ऑक्सीजन सल्फर सल्फर प्लस, अब ये ने ओ ए सी ऐड करोगे, ये ने ओ ए सी ऐड करोगे, तो ये ने ओ ए सी माइनस अगर ऐड करोगे, ओ ए सी माइनस क्या करेगा भाई, अरे ओ ए सी माइनस तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा ना, ओ ए सी माइनस यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, अनायन बनाएगा, अनायन बनाने के बाद आपको पता है क्या बनता है, अनायन बनाने के बाद आर सी एच हाइड्रोजन ऑक्सीजन यस यस सी एच थ्री सी एच टू माइनस, ये प्रोटॉन लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, इसको निकाल देगा एज अ डीएमएस, आपका बन जाएगा आर सी एच ओ। बहुत ज़्यादा जगह बचा ली हमने, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह बचा ली है। तो इसे कहते हैं अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट। इसे कहते हैं अल्ब्राइट गोल्डमैन रिएजेंट, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय क्रोमियम बेस रिएजेंट्स। क्रोमियम बेस खत्म हुए हमारे, दूसरा हमारा डीएमएसओ बेस खत्म हुआ। इसमें और कुछ रिएजेंट्स है, जैसे ये है और इसमें कुछ है डीएमएसओ बेस से, इसमें और भी कुछ रिएजेंट्स है जैसे फेटिजोन्स रिएजेंट, Ag2CO3 स्लाइड, अदर भी रिएजेंट है, टेम्पो NaOCl वगैरह वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज ही डिस्कस करने वाले थे हम, बट मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग प्रेजेंट रहिए, कल ही होगी क्लास, प्रोबेबली सेम टाइम पे होगी, तो सब लोग प्रेजेंट रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज ही हम डिस्कस करने वाले थे बट तबीयत खराब होने की वजह से हम नहीं करवा रहे, बट देखो आपके लिए फिर भी हमने सेशन कवर करवाया। तो आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सारे वीडियोस सारी प्लेलिस्ट चेक करो। 21 नंबर का लेक्चर है रिएजेंट का, इससे पहले 20 लेक्चर्स हो चुके हैं, सब नॉलेज ले लो, उसमें से निकाल लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।